इमरान खान की नींद उड़ी हुई है। सेलेक्टेड हुकूमत को घर भिजवाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौलाना ने अल्टीमेटम दे दिया है। इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में हुए, रात को उम्मीदवार जीत रहा है और सुबह को वो हार रहा है। आर्मी के खिलाफ वजीरिस्तान में बगावत। पाकिस्तान में हल्ला बोल का सीजन पीक पर चल रहा है। इमरान खान से लेकर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा तक पब्लिक के टारगेट पर है। पहली तस्वीर गिलगित बाल्टिस्तान की है, जहां चुनाव में धांधली के आरोप पर पब्लिक सड़कों पर है। बिलावल, मरियम समेत पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है। 3 दिन हो गए हैं, प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहा। तो दूसरी तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा स्टेट की वजीरिस्तान की है। पख्तूनों पर जुल्म और सितम के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगे। पख्तूनों का आरोप है कि सालों से पाकिस्तान की सेना उन पर अत्याचार कर रही है। जो आवाज उठाता है उसे गायब कर दिया जाता है। ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान में दिखाना बैन है। गिलगित का गुस्सा हो या पख्तूनों का क्रोध, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में ये तस्वीरें और वीडियो सेंसर है। लेकिन इमरान सरकार और बाजवा के खिलाफ ये आंदोलन सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में देखा और सुना जा रहा है। इमरान खान के सिर सबसे नई मुसीबत गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शन की टूटी। इमरान की पार्टी जीती और बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की पार्टी हारी, तो संयुक्त विपक्ष ने नया हंगामा खड़ा कर दिया। चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर 3 दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं। विपक्ष को गिलगित की पब्लिक का साथ भी मिल रहा है। हम हुकूमत से वक्त का भी एहतराम करते हैं, मगर जो जुल्म हमारे साथ करेगा उस जुल्म के मुकाबले में हम डट जाएंगे, हम मर जाएंगे।